Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is Video Conferencing. Okay students, आज जो है हम स्टूडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट BBA 5th semester में हमने स्टूडेंट जो है वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट पहले जो हमारा टॉपिक था जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने जो है स्टूडेंट डिस्कस किया BBA 5th semester फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में. तो स्टूडेंट इसके ही सिक्वेंस में हमारा जो अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर BBA 5th semester में. ओके स्टूडेंट्स, आइए तो उसको समझते हैं. स्टूडेंट जैसे है कि अब देखिए, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें मैंने स्टूडेंट आपको कई सारी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट तरीके बताए. जैसे हम जो है ईमेल है, मोबाइल फोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया. तो स्टूडेंट कई सारे मतलब जो है मतलब क्या नाम है कम्युनिकेशन है, लेकिन स्टूडेंट इन सभी कम्युनिकेशन में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हम कम्युनिकेशन में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं. जैसे स्टूडेंट आप वीडियो कॉल करते हैं, तो स्टूडेंट जो आपका जो वीडियो कॉल है वो भी स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंसिंग का एक एग्जाम्पल है. आप देखिए, आप लगभग पाँच या छः लोग जो है आप सब लोग जो है कॉन्फ्रेंसिंग में एक दूसरे की जो इमेज है वीडियो इमेज आप देख सकते हैं और बात कर सकते हैं. तो स्टूडेंट ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक ऐसा हम कह सकते हैं एक तरीका है जिसके द्वारा हम जो है ऑडियो और वीडियो यानी दोनों ही एक साथ, जैसे कि हम जो है हम एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं जो है रिमोट एक्सेस के द्वारा, मतलब चाहे हम कितनी भी दूरी पर हों. जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में केवल स्टूडेंट केवल हम ऑडियो सुनते हैं, हम जो है वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम वीडियो कॉल के द्वारा जो है हम जो है एक दूसरे को देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं. हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी मीडिया जस्ट लाइक वीडियो ऑडियो एंड टेक्स्ट. तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है. और आज की डेट में स्टूडेंट जैसे कि मान लो कि जैसे कि सपोज डेट आप देखो कोरोना वायरस बहुत स्प्रेड हुआ, तो जब लोग आपस में जो है जिनकी मीटिंग्स नहीं हो पाई ऑफिस में या कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, तो उन्होंने जो है वीडियो कॉल के द्वारा जैसे हम भी आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है पॉसिबल हो पाई, जो एक बहुत ही अच्छा तरीका जो है माना जाता है. तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडेंट क्या है, इसको जो हम करते हैं डिस्कस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ए लाइव विजुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर रिमोट पार्टीज ओवर द इंटरनेट दैट सिमुलेट्स फेस टू फेस मीटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज लाइव विजुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर remote parties over the internet that simulates a face-to-face meeting simulates
over the entire festival by video conferencing. Visual connection between two or more remote parties. ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा जो है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज लाइक विजुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज ओवर द इंटरनेट दैट्स अबाउट फेस टू फेस मीटिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट मैंने जो है दो बार फेस टू फेस ओवर द इंटरनेट दैट्स अबाउट फेस टू फेस मीटिंग. तो ये स्टूडेंट दो बार चलिए कोई, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, तो हम सब कहते हैं कि ये क्या है, एक लाइव इज ए लाइव विजुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर रिमोट पार्टीज ओवर द इंटरनेट दैट सब्जेक्ट फेस टू फेस मीटिंग. तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि ये स्टूडेंट हमारी है फेस टू फेस, एक तरीके से स्टूडेंट क्या है हमारी ये मीटिंग है. तो हम कह सकते हैं अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज इंपॉर्टेंट. अब जैसे हम कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ज्वाइन पीपल हु वुड नॉट नॉर्मली बी एबल टू फॉर्म ए फेस टू फेस कनेक्शन. तो मतलब ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि जो लोग स्टूडेंट जो है फेस टू फेस जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि या तो भाई उनको मतलब जो है आने में प्रॉब्लम्स हैं, तो चाहते हैं कि फेस टू फेस बात हो जाए तो ज़्यादा बेटर है. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट जॉइंट्स पीपल हु वुड नॉट नॉर्मली बी एबल टू फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते फिजिकली आमने सामने मतलब जो है बैठ के बात नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है स्टूडेंट इसका एक बहुत ही अच्छा एक जो है बेनिफिट है वो उससे जो है बात कर सके. तो हम कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैटिक इमेजेस एंड टेक्स्ट टू लोकेशंस. तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये स्टूडेंट क्या है एक सिंपल ये एक हम कह सकते हैं एक सिंपलेट एक सिंपलेस्ट वे है कि इसके द्वारा हम जो है स्टूडेंट जो है हम आमने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड जो है हम जो है टेक्स्ट के द्वारा भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इट प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन ऑफ फुल मोशन वीडियो इमेजेस हायर क्वालिटी वीडियो. तो हम कहते हैं इट प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन ऑफ फुल मोशन इट्स प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन ऑफ फुल मोशन वीडियो इमेजेस एंड हाई क्वालिटी ऑडियो एंड हायर क्वालिटी ऑडियो बिटवीन मल्टीपल लोकेशन. ओके स्टूडेंट्स, और हम स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि वीडियो कर सकते हैं वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन of static images and text between two locations. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो इट प्रोवाइड ट्रांसमिशन ऑफ फुल मोशन वीडियो इमेजेस एंड हायर क्वालिटी ऑडियो बिटवीन मल्टीपल लोकेशंस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैटिक इमेजेस एंड टेक्स्ट बिटवीन इनटू लोकेशन. जैसे स्टूडेंट आप फोन पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो आप स्टूडेंट एक दूसरे की इमेज देख पा एक दूसरे की इमेज देख पाते हैं, आप टेक्स्ट भी स्टूडेंट जो है भेज पाते हैं. तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एक बेटर तरीका है और हम इसको जो है स्टूडेंट्स मल्टी मीडिया कम्युनिकेशन भी हम इसको बोलते हैं. एक बार स्टूडेंट मैं देख लेता हूँ कि आपको पूरा बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं. हाँ तो स्टूडेंट आपको बोर्ड पे पूरा दिखाई दे रहा है. तो हम इसको स्टूडेंट बोल सकते हैं कि मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग
also known as a video conferencing, refers to a system that simulates face-to-face interaction among parties, user located far apart, if they were sitting and discussing in the same room. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट एंड इन द सिस्टम ईच पार्टिसिपेंट यूजर पीसी वर्क स्टेशन ऑन हिज डेस्क एंड वीडियो कैमरा एंड माइक अटैच टू इट. उसमें वीडियो कैमरा होता है स्टूडेंट, मान लो जो इक्विपमेंट है तो वीडियो कैमरा होगा, उसमें माइक भी होगा, तो उसमें स्टूडेंट को हम जो है सुन भी सकते हैं, बोल सकते हैं और देख सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ए ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज एट ए रिमोट लोकेशन. तो ओके स्टूडेंट्स, तो पीसी ऑफ ऑल दीज यूजर आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर थ्रू ए हाई स्पीड नेटवर्क. नेटवर्क इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो वीडियो एंड अदर डेटा फॉर द. अब देखो स्टूडेंट, इसमें हाई स्पीड नेटवर्क की जो है वो आवश्यकता होती है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा जो ऑडियो है, वीडियो है और जो अलग जो भी डेटा है वो सब इंटरनेट के द्वारा ही भेजा जाता है. तो ए यूजर विलिंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजर टॉक टू फ्रंट ऑफ हिजर पीसी ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट अटैच टू हिज PC capture the information in then transmit to PC of other users. Coordinator support software coordinates procedure of conference and resolve any conflicts when multiple user want to communicate simultaneously. कहना मतलब यह है कि स्टूडेंट की एक विजुअल ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट के द्वारा अटैच होता, जो भी स्टूडेंट इसमें वीडियो कैमरा है और ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, तो ये इन सभी कंपोनेंट्स को इंटरनेट के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं ताकि हम इजीली ये इन्फॉर्मेशन जो है हम इंटरनेट पर प्रोवाइड करा सकें और इंटरनेट पर बेटर कम्युनिकेशन हो सके. तो स्टूडेंट देखिए, अब इसमें जो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और डिवाइस, तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड डिवाइस विच इज सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट एट रिमोट लोकेशन. यानी कि जो काफ़ी दूर पे जो लोग बैठे हुए हैं वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं, जो है आपस में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हमने जो है लेक्चर कम्प्लीट किया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में, और जो टॉपिक है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने, देखें और स्टूडेंट फिर आप देख के फिर आप स्टूडेंट्स के नोट्स बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार आप स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़ें फिर आप जो है इसके देख के आप इसके नोट्स बनाएं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.